Hello everybody, welcome on this YouTube channel. I am Usha Yadav and today we are going to discuss about back rows. Last lesson में हमने test rows के बारे में discuss किया था कि test rows में किस तरीके से हम लोग एक recessive genotype के organism को उसी के parent के साथ cross करा के identify करते हैं कि उस particular parent का क्या हमारा genotype है. ठीक है, सो बैक रोज के अंदर हम लोग हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म की मेटिंग कराते हैं. हाइब्रिड का मतलब सिंपली हेटरोजाइगस कंडीशन में हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म की वन ऑफ इट्स पेरेंट या उसी के पेरेंट के जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म के साथ उसकी मेटिंग कराई जाती है. ठीक है, अब उसका पेरेंट यहाँ पर डोमिनेंट भी हो सकता है और उसका रिसेसिव पेरेंट भी हो सकता है. वन ऑफ इट्स पेरेंट के साथ उसका क्रॉस कराया जाता है और बैक क्रॉस बेसिकली ये क्रॉस का पर्पस मेन पर्पस यही होता है ताकि हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाए, आइसोलेट कर पाए, सेपरेट आउट कर पाए कुछ ऐसे कैरेक्टर को जो एक रिलेटेड ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर ही पाए जाते हैं. या तो हम एनिमल्स की बात करें या प्लांट. ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई प्लांट है और कोई एनिमल, एनिमल ग्रुप या प्लांट ग्रुप है, उसके पास कोई ऐसा फिनोटाइप है या कोई ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा ट्रेट है जो उसी ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है और वो मेरे लिए हेल्पफुल. ठीक है, अब मैं उस पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ. सो ऑफकोर्स ऐसी कंडीशन में मैं बैक क्रॉस परफॉर्म करूंगी और बैक क्रॉस परफॉर्म करने के बाद जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मुझे मिलने वाला है इन द फॉर्म ऑफ ऑफस्प्रिंग, उसके पास वो प्योरेस्ट फॉर्म में ट्रेट या हमारा कैरेक्टर प्रेजेंट हो. ठीक है, जिसको मैं एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ. ठीक है, सो ऑफकोर्स बैक क्रॉस हमारे लिए जेनेटिकली हेल्पफुल है क्योंकि इससे उन पर्टिकुलर ट्रेट को और कैरेक्टर को जो यूजफुल होते हैं उन्हें हम लोग प्योरेस्ट फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें एक हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, एक हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म को क्रॉस कराना पड़ेगा वन ऑफ इट्स पेरेंट. ठीक है, वो पेरेंट आपका डोमिनेंट पेरेंट भी हो सकता है और वो पेरेंट आपका रिसेसिव वाला पेरेंट भी हो सकता है. ठीक है, सो यहाँ पर मुझे आगे जो अपने जनरेशन में हाइब्रिड, यानी कि इस हाइब्रिड जीनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म से आगे जो मुझे जनरेशन मिलने वाली है उसमें वो ट्रेट हमारा प्योरेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होगा. ठीक है, जब हम लोग इस ट्रेट को डोमिनेंट पेरेंट के साथ, यानी कि सॉरी इस क्रॉस को जब हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ परफॉर्म करते हैं तो उस पर्टिकुलर बैक क्रॉस को डोमिनेंट बैक क्रॉस कहा जाता है. ठीक है, और जब हमारे पास रिसेसिव पेरेंट अगर इन्वॉल्व होता है बैक क्रॉस में तो ऑफकोर्स उसे रिसेसिव बैक क्रॉस कहा जाता है. मेजर वे में अगर बात करें तो बैक क्रॉस आपका डोमिनेंट वाला परफॉर्म किया जाता है ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ आपका प्योरेस्ट फॉर्म में वो इंटरेस्टेड आपका जो ट्रेट है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सके. ठीक है, सो बैक क्रॉस को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है उस चीज को हम लोग देखते हैं. सो अगर हम लोग बैक क्रॉस को डिफाइन करना चाहें, एक ऐसा क्रॉस जिसमें हमारे पास F1 इंडिविजुअल को उसी के किसी एक पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाता है, चाहे वो पेरेंट हमारा डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव. ठीक, सो फर्स्टली हमें F1 इंडिविजुअल को फॉर्म करना पड़ेगा और F1 इंडिविजुअल को फॉर्म कैसे करेंगे, मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो पेरेंट है यहां पर मुझे उससे हाइब्रिड की फॉर्म करनी है. सो हाइब्रिड मेरा तभी बनेगा जब मेरे पास प्योर टॉल हो और प्योर टॉल हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में होगा एंड प्योर ड्वार्फ हो जिसका जीनोटाइप होगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. ठीक है, इनसे मेरे गैमेट्स बनेंगे टी एंड स्मॉल टी. इनका जब मेरे पास क्रॉस होगा तो यहां से मुझे मिलेगा हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो फेनोटाइपिकली ऑफकोर्स टॉलनेस के लिए यहाँ पे कोड कर रहा है लेकिन जेनेटिक लेवल पर ये हाइब्रिड फॉर्म में है. अब इस हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म की मेटिंग करानी है वन ऑफ इट्स पेरेंट के साथ, चाहे वो हमारा डॉट पेरेंट हो या फिर हमारा टॉल वाला पेरेंट हो. ठीक है, तभी हमारा बैक क्रॉस परफॉर्म होता है. सो मेरे पास ये हाइब्रिड मिल गया, अब मुझे इसके पेरेंट के साथ इसका मेटिंग कराना है. ठीक है, सो हम इसकी मेटिंग करा लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से पहली कंडीशन लेके चलते हैं जिसमें मेरे पास मैंने जिनके बीच क्रॉस परफॉर्म कराया है दैट इज हाइब्रिड और डोमिनेंट पेरेंट के साथ. ठीक है,
राइट. सो यहाँ पर मुझे गैमेट्स मिलेंगे, इसमें मेरे पास गैमेट्स होंगे टी एंड टी, एंड दिस साइड इज दिस वन, राइट. सो क्रॉस मिलने के बाद मुझे क्या मिला, यहां पर मुझे जो रेशियो मिला दैट इज यानी कि सारे के सारे मेरे ऑर्गेनिज्म अगर इनके फिनोटाइप की बात करूं तो फिनोटाइप मेरा क्या है, टॉलनेस. और अगर इनके जीनोटाइप की बात करूं तो यहां से मेरा जीनोटाइप मिला, ठीक है, राइट, टू इन होमोजाइगस कंडीशन, टू इन हेटरोजाइगस कंडीशन. सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस कि जब हमें कोई पर्टिकुलर ट्रेट एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर प्लांट का, इस प्लांट ग्रुप का टॉलनेस वाला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं उसी के हाइब्रिड को उसके डोमिनेंट पैरेंट के साथ क्रॉस करा के यहाँ से उस पर्टिकुलर जीनोटाइप यानी कि उस पर्टिकुलर फिनोटाइप को ऐसे एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि जितने भी मुझे ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं सारे के सारे टॉल मिल रहे हैं, तो यहाँ से मेरा वो कैरेक्टर यहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है ना, ठीक है. अगर हम लोग इसका दूसरा सिनेरियो लेते हैं, अगर हम इसको अपने रिसेसिव पैरेंट के साथ परफॉर्म करते हैं तो हमारा यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए ये मेरा हाइब्रिड है, इसी की मैंने मेटिंग करानी है रिसेसिव पैरेंट के साथ. सो यहाँ से जो मेरा गैमिट्स बनेगा दैट इज स्मॉल डी, और यहाँ से मुझे दो गैमिट्स मिलेंगे, दीज आर दी गैमेट्स. इनका अगर मैंने क्रॉस कराया तो मेरा क्रॉस कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां से मुझे जो रेशियो मिलता है ठीक है, एंड जो फिनोटाइप मिलेगा दैट इज टॉलेस्ट डॉट, राइट. सो यू कैन सी हियर जब हम लोग हाइब्रिड को डोमिनेंट के साथ मेटिंग करा रहे थे तो हमें हमारा पर्टिकुलर ट्रेट प्योरेस्ट फॉर्म में मिल रहा था, है ना. लेकिन जब हमने हाइब्रिड को रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया तो यहाँ से हमें हमारा पर्टिकुलर ट्रेट प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिल रहा, इसमें हमारे पास जो रेशियो आ रहा है दैट इज 1:1, ठीक है. और अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये कैरेक्टर आपको टेस्ट क्रॉस की याद नहीं दिला रहा है, टेस्ट क्रॉस जिसमें हम लोग ऑफस्प्रिंग को उसी के रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, है ना, राइट. सो इससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा ऑर्गेनिज्म हेट्रो कंडीशन में है या आपका डोमिनेंट कंडीशन में है. सो दिस इज रिप्रेजेंट द काइंड ऑफ टेस्ट क्रॉस टाइप, एंड ये हमारा है डोमिनेंट बैक क्रॉस टाइप. सो यहाँ से हमें क्या सिग्निफिकेंस मिले बैक क्रॉस से, कि एक बैक क्रॉस जो होता है वो हमें प्योर लाइन को ऑप्टेन करने में हेल्प करता है, बैक क्रॉस की हेल्प से हमें प्योर लाइंस मिलती हैं. इससे हम लोग डिटरमाइन कर पाते हैं हमारे प्लांट के जीनोटाइप को कि वो होमोजाइगस कंडीशन में है या हेटरोजाइगस कंडीशन में है, इंक्लूडिंग पेरेंट और F1 इंडिविजुअल, दोनों के ही जीनोटाइप को हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और ये एक ईजियर और एक रैपिड मेथड है जिससे हम लोग हमारी क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं. मान लीजिए मुझे मेरी क्रॉप के अंदर कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए, ठीक है, सो बैक क्रॉस की हेल्प से हम उसे प्योरेस्ट फॉर्म में ग्रो कर सकते हैं. सो यस, हमारा जो बैक क्रॉस है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि बिसाइड दीज थिंग्स ये हमें हेल्प करता है हमारे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को और भी अच्छे से समझने में, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट बैक क्रॉस. आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन.